रोशनी है मौसमों में, रंग बिखरे हैं हवा में। अब के शायद होंगे सच वो ख्वाब सिमटे जो दुआ में। आसमानी हो चली है धीरे धीरे चाहते, कुछ पलों की बात है फिर राहते ही राहते। वो आज एक्चुअली रोहन ऑफिस ही नहीं गए थे। ऑफिस में नहीं है तो कहाँ गया? मैंने तुम्हें ऑफिस जाने के लिए कहा था ना। बहुत मजा है सब में वहां पे, मियां के घर जाके ना। अच्छा। इतनी मस्ती की, इतनी मस्ती की। मैंने तुम्हें ऑफिस जाने के लिए कहा था ना। लेकिन तुमने मेरी बात को मजाक समझकर, एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया। क्या लगता है ये बिजनेस कोई हंसी मजाक है? दैट एक्चुअली वो आज तुम कुछ नहीं बोलोगे मेहर। इसकी गलतियों पर पर्दा डालना बंद करो मेहर। मैंने इसे तुम्हारे साथ इसलिए भेजा था क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा है। भरोसा था। इसे ऑफिस ले जाना और इसको काम सिखाना तुम्हारी जिम्मेदारी थी। लेकिन तुम अपनी जिम्मेदारी को निभाने के बदले मुझसे झूठ बोल रहे हो। अब ठीक कह रहे हैं डैड, मुझसे गलती हुई है, मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाया। लेकिन डैड, आज जो भी कुछ हुआ उसके पीछे मेरा मकसद आपको अपसेट करना नहीं था। कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं रोहन के सामने आपको नहीं बताना चाहता था, लेकिन मैं आपको अपसेट नहीं देख सकता डैड। डैड, मैं चाहता हूं कि रोहन पूरे दिल से काम सीखे और अपने बिजनेस को आगे ले जाए, इसलिए इसका काम में दिल लगना बहुत जरूरी है। जबरदस्ती मैं इसे बांध कर रखना नहीं चाहता था, मुझे लगा कहीं इसे ऑफिस से नफरत ना हो जाए, इसलिए मैंने इसे कहा कि थोड़ी देर के लिए बाहर जाने के लिए कहा था। इस बात की क्या गारंटी है कि इसका दिल ऑफिस में लगने लगेगा? अगर इसका दिल नहीं लगा तो ये कभी ऑफिस नहीं आएगा। ऑफिस कोई क्लब या पब तो नहीं है। ऐसी बात नहीं है डैड, अभी इसकी नई नई शादी हुई है। धीरे धीरे समझ जाएगा कि बिना काम की जिंदगी नहीं चलती है। और रही बात आज की, तो जब आकांक्षा ऑफिस आई थी तब ये वहाँ नहीं था,
लेकिन लंच के बाद ये वापस आ गया था। I'm sorry ताऊ जी, मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा। देखते हैं, वो पैसा ही हो। रख दो आप। क्या बात है, आप मुझसे नाराज लगते हैं। सच सच बताना, आकांक्षा को लंच लेके आने के लिए तुमने आइडिया दिया था? हाँ, मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई थी, पर मुझे नहीं पता था कि रोहन आज ऑफिस में नहीं है। आज मेरी वजह से पापा ने भी आप पर बहुत गुस्सा किया, मुझे माफ कर दीजिए मीर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ये नेकलेस क्यों, अच्छा नहीं है? ये बहुत अच्छा है, लेकिन अचानक ये कैसे? एक्चुअली आज मैं बहुत खुश हूँ और उसकी वजह तुम हो। मैंने ऐसा क्या किया? आप सच में मुझसे खुश हैं? तुम्हें नहीं पता, तुमने आज बहुत अच्छा काम किया है। तुमसे आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। और तुम्हें कुछ भी चाहिए ना, मुझे बताना, आज तुम जो मांगोगी वो तुम्हें मैं दूंगा। मिहिर, मुझे बस आपका साथ चाहिए, वो ही मेरे लिए सब कुछ है। आप थक गए होंगे, मैं आपके लिए कुछ खाने का इंतजाम करती हूँ। ठीक है, तुम जाओ। ये अचानक आज इन्हें क्या हो गया? काश ये रोज इसी तरह खुश रहे। तुमने क्या मेरी लाइफ कॉम्प्लिकेट बनाने की कसम खा रखी है? यार, चैन से क्यों नहीं जीने देती मुझे? जब से इस घर में आई हो मेरा सांस लेना मुश्किल कर दिया है तुमने। आखिर बिगाड़ा क्या मैंने तुम्हारा? हम दोनों ने मजबूरी में ये शादी की, तो इसका बदला तुम मुझसे लेने पे क्यों तुली हो? तुम अपनी गलती के लिए मुझे क्यों इल्जाम दे रहे हो? और मैंने किया भी क्या है कि तुम मुझे ये सब सुना रहे हो? जब दोनों के बीच कोई रिश्ता ही नहीं है, तो ये लंच लेके ऑफिस आने की क्या जरूरत थी? मैं क्या भूखा मर रहा था? वैसे डैड, आपको क्या लगता है, मैं अपनी मेहनत को यूं ही बेकार जाने दूंगा? वो आज तुम कुछ नहीं बोलोगे मिहिर, इसकी गलतियों पर पर्दा डालना बंद करो मिहिर। मैंने इसे तुम्हारे साथ इसलिए भेजा था क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा है, भरोसा था।
लेकिन तुम अपनी जिम्मेदारी को निभाने के बदले मुझसे झूठ बोल रहे हो। जितनी भोली और मासूम दिखती हो ना, उतनी हो नहीं। मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूं। जब हम दोनों के बीच कोई रिश्ता ही नहीं है तो ये लंच लेके ऑफिस आने की क्या जरूरत थी? मैं क्या भूखा मर रहा था? देखो, अगर तुम्हें डिब्बा पहुंचाने का इतना ही शौक है ना, तो जाओ किसी केटरिंग वाले के यहां काम करो। अगर तुम्हारी बात खत्म हो गई हो तो अब मेरी बात सुनो। मुझे तुम्हारे लिए खाना पहुंचाने में या रिश्ता रखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और मैं खाना सिर्फ इसलिए लेकर आई थी क्योंकि मुझे सौम्या दीदी ने कहा, और मैं उनकी बात को नहीं टाल पाई। अच्छा, तुमको सौम्या दीदी ने कहा और तुम झट से वहां पहुंच गई। अगर तुम्हें नहीं आना था तो कोई ना कोई बहाना बना सकती थी, लेकिन नहीं, तुम्हें तो बहाना चाहिए मेरे पास आने का। ऐसे घूरने से सच झूठ नहीं बन जाएगा। देखो, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि मुझसे दूर रहो। अगर ऑफिस आई ही थी तो घर पे ढोल पीट के बताने की क्या जरूरत थी कि मैं वहां पे नहीं हूं? चुपचाप वो खाना वहां पे रख के चले जाती या कहीं रोड पे फेंक देती। मुझे खाना फेंकना नहीं सिखाया गया है। ये तुम्हारे लिए शान की बात हो सकती है, पर मेरे लिए ये एक शर्मनाक हरकत है। अपनी गलती मान लो, उसी में तुम्हारी भलाई है। और अगर तुम्हें इस रिश्ते से इतनी प्रॉब्लम है तो जाकर दुनिया को बता दो कि हमारे बीच पति पत्नी का रिश्ता नहीं है। उसके बाद दुनिया के सामने दिखावा करने की मुझे भी कोई जरूरत नहीं होगी। तो रोहन, आज ऑफिस में पहला दिन कैसा रहा? सौम्या, जरा फोन लगा के पता लगाना कि शीला कब तक आएगी। रोहन, अच्छा था या बुरा, जैसा भी था बता दो। एक्चुअली डैड, मुझे रोहन से सुनना है। बोलो रोहन। बड़े पापा, वो ऑफिस का पहला दिन था ना, लोग क्या बोल रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, सब बाउंसर ही जा रहा था, बस इसलिए मैं बाहर चला गया था। I'm sorry। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब समझ जाओगे। रोहन, मैंने तुम्हारे फ्यूचर के लिए बहुत कुछ प्लान किया हुआ है, बस तुम थोड़े से रिस्पॉन्सिबल बन जाओ। मैं तुम्हारे लिए थोड़े फाइल्स भिजवाता हूँ, थोड़ा चेक कर ले। डैड, आज के लिए इतना काफी है। आई थिंक ओवरडोज हो गया है। रोहन, तुम फाइल्स चेक कर लोगे ना? जी बड़े पापा। ससुर जी, आज तो आपके तेवर काफी बदले बदले हुए थे, कुछ तो करना पड़ेगा। आपका बिहेवियर थोड़ा बहुत ही उखड़ा खुड़ा हुआ था।
वैसे डैड आपको क्या लगता है, मैं अपनी मेहनत को यूं ही बेकार जाने दूंगा? नहीं संजय राय, ये सारी प्रॉपर्टी मेरी है, सिर्फ मेरी। संजय राय, सारी मेहनत करूं मैं और आप चिंता करो उस निकम्मे रोहन की, उसके लिए फ्यूचर के प्लान बना रहे हो? हाँ, ये तो बहुत नाइंसाफी है। ये सब कुछ जो मैंने किया है वो मैंने अपने बलबूते पर किया है, और ये सारी प्रॉपर्टी सिर्फ मेरी होगी। मैं बस एक मौके की तलाश में था, और वो मौका मुझे तब मिला जब आकांक्षा के डैड का एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा हुआ मर गया। अब पता नहीं उनके घर पर क्या होगा। उसके मरने के बाद मैंने जानबूझकर आकांक्षा और रोहन की शादी की बात की। इस दलदल से निकलने का मेरे पास एक रास्ता है, हम एक तीर से दो शिकार करेंगे। एक तीर से दो शिकार? इस बार हम सिर्फ माफी मांगने यहां नहीं आए, मैं आपकी बड़ी बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहता हूं। रोहन को शादी के लिए मनाना, गुस्सा करने से कुछ नहीं होने वाला। तो क्या करूं, अपनी जिंदगी बचाने के लिए मेरी जिंदगी दांव पे लगा रहे हैं और मैं चुपचाप देखता रहूं। अरे इतना सीरियसली मत लो, ये तो बस उस परिवार को चुप कराने के लिए शादी की बात रखी है। इनफैक्ट वो लड़की भी इस शादी से खुश नहीं है, सो रिलैक्स, टेंशन मत लो। आकांक्षा के घर वालों को बेघर होने से बचाना। ओए चुप, वहीं खड़ा रहे, समझा? ये घर खाली नहीं होगा। तुम होते तो ना मुझे रोकने वाले, हाँ? ये घर मेरा सेठ जी का है और सेठ जी ने कहा कि घर खाली करवा दो। ये घर सेठ जी का था, अब ये घर हमारा है। ये घर मैंने खरीद लिया है। रोहन को मैं कभी किसी काबिल होने नहीं दूंगा, उसे इस हद तक बेकार बना दूंगा कि एक दिन वो खुद इस घर से अलग हो जाएगा, या तो जायदाद से बेदखल कर दिया जाएगा। अगर तुम अपने डैड और अपने घर वालों को ना जिंदा देखना चाहती हो तो अपना मुंह बंद रख। तुम प्यारी सोमिया, ऐसे क्या देख रही हो? तुमने मेरी बहुत मदद की, बहुत ज्यादा। वो कहते हैं ना कि हर मर्द के कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, ठीक वैसे ही मेरे कामयाबी के पीछे भी तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ है। जब मैंने तुमसे पहली बार बात की थी ना, तभी मैं समझ गया था कि तुम्हें बेवकूफ बनाना मेरे बायां हाथ का खेल है। You're such an idiot. इसलिए मैंने तुम्हें मेरे प्यार के जाल में फंसाया और प्लान के अकॉर्डिंग घर जमाई बन गया, और सबको ये जताया कि मुझे आपकी नहीं, आपको मेरी जरूरत है। और अब टाइम आ गया है मेरे सबसे बड़े प्लान को अंजाम देने का।
सबने आप पर इतना भरोसा किया और आप हमें ही धोखा दे रहे हैं। क्यों क्यों कर रहे हैं आप ऐसे मीर? आपको प्रॉपर्टी चाहिए, बिजनेस चाहिए, आप डैड से मांग सकते थे, वो आपको किसी चीज के लिए कभी मना नहीं करते। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे बाप से भीख मांगूंगा? मुझे भीख मांगने की जरूरत नहीं है, मेरा हक मैं खुद लेके रहूंगा। मेरी भोली सी बीवी, मेरी बात ध्यान से सुनो। जो भी कुछ तुमने देखा या सुना, किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट तुमने कुछ देखा ही नहीं है। इसके बाद भी अगर तुमने किसी से भी कुछ भी कहने की कोशिश की तो तुम जानती नहीं हो कि मैं क्या क्या कर सकता हूं। मैं कुछ भी कर सकता हूं। अगर तुम अपने डैड और अपने घर वालों को ना जिंदा देखना चाहती हो तो अपना मुंह बंद रखो, समझी? समझी? तुम? हाँ वो सौम्या। अच्छा सौम्या से बात करनी है? आओ अंदर आ जाओ। वो वॉशरूम गई है, तुम बैठो मैं आता हूँ, ठीक है? अरे आकांक्षा तुम आओ बैठो। इस वक्त यहाँ पे? हाँ बस आप अभी तक सोई नहीं? हाँ मैं जल्दी सोती नहीं हूँ ना। मैं यहाँ से गुजर रही थी तो मैंने आपकी आवाज़ सुनी, मुझे लगा आप रो रही थी। क्या बात है दी, सब ठीक है ना? ऐसी रोनी सूरत बनाकर मुझे बदनाम करना चाहती हो? सबके सामने मुझे नीचा दिखाना चाहती हो? देखो मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ हमारे फ्यूचर के लिए कर रहा हूँ। आकांक्षा, आकांक्षा चाची ऊपर है। आकांक्षा शीला जी मैम साहब, आकांक्षा को कहीं देखा? नहीं मैम साहब, मैं तो उन्हें सुबह से नहीं देखा।